नमस्कार दोस्तों, आज फिर से लेकर आया मैं आप लोगों के लिए नया टॉपिक। हमारा रिसर्च मेथोडोलॉजी जो टॉपिक चल रहा था, रिसर्च एप्टीट्यूड टॉपिक चल रहा था, उसमें हम आज बात करने जाएंगे कुछ स्किल्स के बारे में, जिनके बारे में हम मेजरेबल, जब भी हम वेरिएबल्स हमारे लेते हैं रिसर्च के अंदर, कोई भी वेरिएबल्स उठाते हैं तो उनके लिए मेजरेबल स्किल्स कुछ निर्धारित होते हैं, उन स्किल्स के बारे में आज हम बात करेंगे। बिल्कुल इजी सा है, कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं नॉर्मल और एटीट्यूडनल स्किल्स में, तो इनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, प्लीज वो काम जरूर कर दीजिएगा जिससे थोड़ी एनर्जी मिले। बाकी स्टार्ट करते हैं। फिर भी सबसे पहले हम देखते हैं नॉमिनल स्केल। नॉर्मल स्केल आता है नॉमिनल स्केल। जब भी हम हमारी रिसर्च मेथोडोलॉजी लेते हैं, हम अपना डाटा लेने जाते हैं, हम हमारे वेरिएबल्स लेने जाते हैं, जब उन वेरिएबल्स को वर्गों में विभाजित करना हो, जैसे कि किसी प्रकार का वर्ग, जैसे महिला पुरुष, नॉर्मल वर्ग, जैसे नॉमिनल, जैसे डाटा लिए, हाँ भाई वहाँ कितने पुरुष थे, 650 पुरुष थे, महिलाएं कितनी थी, इतनी महिलाएं थी, तो वो जो विभाजन करें दो स्केल्स में, जिन स्केल्स में वो मेजर करें, वो वाला स्केल नॉमिनल स्केल कहलाएगा। नॉमिनल स्केल का मतलब है वर्गों में उनका विभाजन किया जाता है। वर्गों में विभाजन होता है सिंपल सा, नॉर्मल सा विभाजन, भाई ये पुरुष है, ये महिला है, ये इतनी, ये थे, ये पशु हैं, ये पक्षी है। नॉर्मल वर्गों में विभाजन करते हैं, नॉमिनल स्केल होगा। इस प्रकार का जो भी मापन होगा वो हमारा नॉमिनल स्केल में होगा। तो नॉमिनल स्केल में क्या रहना है, नॉर्मल जो विभाजन होता है हमारा दो या तीन वर्गों में, जो भी, जैसे कि किसी फार्म में आया, हमने पूछा कि आप इस चीज में अप्लाई हो, यस हो, नो हो, वो वाला हो गया, आप पुरुष हो, महिला हो, वो उसका जो कर दिया, ये जो भी स्केल जो भी मेजर करते हैं ये हमारे नॉमिनल स्केल में आते हैं। फिर इसके बाद इन्हीं में एक स्केल आता है ऑर्डिनल स्केल। ये क्या होता है, जब नॉमिनल स्केल वर्गों में विभाजन होता है तो फिर ऑर्डिनल स्केल क्या होता है, तो ऑर्डिनल स्केल होता है कि जब हम इसमें क्रम दे देते हैं, जैसे हम किसी भी चीज को श्रेणी दे देते हैं कि फर्स्ट श्रेणी, सेकंड श्रेणी, थर्ड श्रेणी, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, परसेंटेज दे दिया हमने 50%, 60%, हमने उनको क्रम दे दिया, पहला क्रम प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इस प्रकार। अर्थात उपवर्गों में जैसे हमने किसी कक्षा के किसी भी बच्चों के, जैसे हमने उनके डिविजन बांट दिए मार्क्स के अकॉर्डिंग, फर्स्ट डिविजन वाले इधर, सेकंड वाले इधर, थर्ड वाले इधर, तो ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो डिविजन दिए ये मेजर किसके अकॉर्डिंग होंगे, इसको हम ऑर्डिनल स्केल बोलेंगे। हमारे ऑर्डिनल स्केल के वेरिएबल्स होंगे ये, जैसे हमने डिविजन ले लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनकी श्रेणियां ले ली, उनके मार्क्स ले लिए, मार्क्स भी ले सकते हैं, जो हमारे ऑर्डिनल स्केल में आएंगे। तो मेन डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनल एंड नॉमिनल, यहाँ हम वर्गों में विभाजन करेंगे, नॉर्मल पहला जो प्राथमिक विभाजन होता है, उसके बाद जो उपवर्ग आते हैं उनको जैसे हमने श्रेणी वगैरह दे दी तो वो हमारा ऑर्डिनल स्केल के अंदर आ जाता है। इसके बाद एक और स्केल अपन पढ़ते हैं इंपोर्टेंट के लेवल पे, इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल क्या होता है, अंतराल देना। हमने जैसे कि श्रेणी देनी थी, हमने दे दिया 50 से 60 वर्ग के बीच, और इसमें थोड़ा सा अंतराल देना, इंटरवल बनाना, अर्थात अंतराल देना, इंटरवल बनाना बात हुई है, माप की इकाई देना। हमने कह दिया कि 50 से 60 केजी वाले कैंडिडेट ये हो गए, 60 से 70 केजी वाले ये हो गए, तो ये जो हमने मापन की इकाइयां दे दी साथ के साथ, अंतराल भी बनानी है 50 से 60, 60 से 70, 50 से 60, और साथ ही साथ इनकी इकाई भी दे दी, इनके साथ इनकी इकाई भी जोड़ दी, ये होगा इंटरवल स्केल। तो लगभग सेम सेम तीनों में मेजरेबल करते हैं वेरिएबल्स को, बट फर्क इतना सा है, नॉर्मल वर्गों में विभाजन किया, उनको क्रम दे दी, श्रेणी दे दी, और उनका इंटरवल बना दिया, उनके साथ मापन जोड़ दिए, तो वो हमारा क्या हो जाता है, इंटरवल स्केल हो जाता है। तो ये नॉर्मल स्केल होते हैं। इसके बाद जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और एग्जाम्स फॉर, जैसे लाइक दैट एनटीए नेट हुआ, हमारे रिसर्च के जो एग्जाम्स हुए और सबसे ज्यादा जो काम आने, वो हम आते हैं एटीट्यूडिनल स्केल। एटीट्यूडिनल स्केल दोस्तों एक गुणात्मक आंकड़ों के लिए जनरली यूज लिए जाते हैं। एटीट्यूडिनल स्केल का मतलब हुआ कि हम व्यवहारिक तौर पर किसी चीज को जानना चाहें, हम किसी आदमी से उसकी पसंद नापसंद के बारे में उसके वेरिएबल्स लेना चाहें, तो वो हम इनमें विभाजित नहीं कर सकते अंतराल में, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आता है लीकर्ट स्केल। मोस्ट ऑफ जितने भी अपने स्केल सब तक है, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मोस्ट है लीकर्ट स्केल। लीकर्ट स्केल क्या है दोस्तों, इसके बारे में पढ़ते हैं। किसी भी चीज के बारे में जाकर हम उसके व्यवहारिक जानकारियां लेना चाहते हैं, इसको अपने नॉर्मल अपनी देसी उदाहरण में समझना चाहें तो आपने कई बार शॉपिंग्स की होंगी, और शॉपिंग के अकॉर्डिंग जब भी हम ऑनलाइन या कहीं पे शॉपिंग की तो हमारे पास फीडबैक आता है। कई बार हम हमारी शिकायत कहीं दर्ज कराते हैं, उसके बाद हमारे पास उसका, जैसे हमारे कोई टेलीकॉम में उसका शिकायत दर्ज करते, उसका वो फीडबैक आता है, मतलब मैसेज आता है, उनमें पूछा जाता है आपने ये चीज़ किया, इससे आप कितने हैं, पूर्णतया इससे सहमत हैं, इसमें आपको कुछ कमी लगी, आप बिल्कुल सहमत नहीं है, आपको ये चीज खराब लगी, ये बिल्कुल खराब लगी, अर्थात आपको चार पांच चीजों पर बिल्कुल एग्रीड हो, स्ट्रॉन्गली नॉर्मल एग्रीड हो, निर्णित नहीं हो, आप फिक्स नहीं हो, एक करो डिसएग्री और एक करो बिल्कुल ही सहमत नहीं है, वो है अलग अलग भागों में बांट देते किसी भी चीज के लिए। जैसे कि हमने एक नई ऐप बनाई, यह ऐप आपकी मतलब एमबी का जो डाटा यूज कर लिए उसमें आप कितने सहमत हो, आप उसके लिए स्ट्रॉन्गली एग्रीड हो,
निर्णित नहीं है, डिसएग्रीड हो या स्ट्रॉन्गली डिसएग्रीड हो, वो ऐप आपके फोन को कितना लैग करे, कितना परेशान करे उस चीज के लिए, एग्रीड हो नहीं हो, इस ऐप ने आपका कितना एमबी डाटा बचाया जिससे आपको खुशी हो, मतलब आप उससे सहमत हो, स्ट्रॉन्गली हो, ये सब चीजें बात है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति के बारे में भाई ये काम इतना हुआ इस चीज से आप एग्रीड हो नहीं हो, वो वाली चीजों में बांटना। हमने किसी भी चीज के लिए बांट सकते, किसी व्यक्ति का व्यवहार बांट लिया, मतलब व्यवहार का ही तो मापन हो रहा है, व्यवहारिक सेल पे व्यवहार का ही तो मापन, भाई उसका ज्ञान कितना है, उसके ज्ञान से आप सहमत है नहीं है, ठीक है अच्छा, उसकी तकनीकी ज्ञान से सहमत है ये नहीं है, उसके IQ से IQ लेवल पे थोड़ा सा लग रहा है डिसएग्रीड है, तो इस प्रकार जो हम बांटते हैं ये हमारा लिंकड सेल होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा काम आने वाला ये होता है। शॉर्ट में समझ रहे हैं इनका रिस्क, मतलब एक प्रकार से इनके बारे में नॉलेज लेके दे गए। इसी में एक इंपॉर्टेंट थोड़े से और आ रहे थे, थर्स्टन एंड गटमैन। थर्स्टन स्केल दोस्तों क्या होता है कि इसके अंदर व्यवहारिक ही मापन इसमें करेंगे, क्योंकि हम एटीट्यूडिनल स्केल के अंदर ये तीनों चीजें आती हैं, तो इसमें भी हम व्यवहारिक ही मापन करेंगे। बट दरअसल इसमें क्या होगा कि इसमें हम रैंक दे देते हैं, मतलब थोड़ी सी रेटिंग दे देते हैं, जैसे कि 2.5 दे दी भाई, आप इसके ज्ञान से कितने सहमत हो, 2.5, ठीक है, इसके तकनीक ज्ञान से, तकनीक ज्ञान 3, IQ लेवल से IQ लेवल कमजोर लगा 1.5। तो दोस्तों थर्स्ट इस स्केल में क्या किया हमने, केवल इनको वेट दिया है, जैसे कि आप इससे कितना सहमत हैं, 1.5 हैं, इससे 3, इसके आधार पता चल जाता है, हाँ इसके IQ लेवल से अपन कम सहमत हैं, इसके तकनीक ज्ञान से थोड़ा ज्यादा सहमत है, इससे 2.5 है, तो इसकी वजह इसमें वेट दे दिया। और गटमैन स्केल दरअसल क्या होता है दोस्तों, एक अनुपातिक स्केल होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है ये चीज, इसको थोड़ा सा अनुपातिक तौर पर दे दिया जाता है, जैसे इसमें एक आता है एक रेशियो स्केल होता है, वैसे ये एक स्केल होता है। मेन इंपॉर्टेंट अपने थर्स्ट एंड लिंकड स्केल ही होते हैं दोस्तों, और हमारे वीडियो लगातार आते रहेंगे, बस आप अगर देख ही रहे हैं वीडियो को यहाँ तक पूरा देख ही लिया तो दोस्तों अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, थैंक यू।